जब भी हमें स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानी होती है, जैसे कि सिर में दर्द, गले में खराश जैसी समस्याएं, तो हम किसी डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं और खुद ही किसी आसपास के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले आते हैं, ताकि हमें जल्दी से आराम मिल जाए। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम दवा के रूप में एंटीबायोटिक लेने जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक से हमें जल्दी से आराम मिल जाता है। लेकिन इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। दरअसल दवाओं पर कुछ निशान या कोड होते हैं, जो कि वास्तव में उस दवाई या मेडिसिन के लिए एक चेतावनी होती है। दरअसल ऐसी दवाएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनाई जाती है। वैसे तो एंटीबायोटिक से बहुत सारे रोगों का इलाज करने में मदद मिलती है, लेकिन अब एंटीबायोटिक्स का उपयोग इतना अधिक हो चुका है कि कई सारी एंटीबायोटिक्स दवाओं का जीवाणुओं के खिलाफ असर ही कम हो गया है। ऐसे में इनके उपयोग पर नियंत्रण पाने के लिए दवाओं पर कुछ सिंबल दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई दवाओं के किनारे पर एक लाल पट्टी बनी रहती है। दरअसल जिन दवाओं पर लाल स्ट्रिप बनी होती है, ऐसी दवाओं को डॉक्टर के पर्चे के बिना न तो बेचा जा सकता है और न ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में एंटीबायोटिक दवाओं का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दवाओं पर ये लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। इस तरह स्ट्रिप पर लाल धारी देने का उद्देश्य टीबी, मलेरिया, यहाँ तक कि एचआईवी सहित कई गंभीर रोगों के लिए बिना चिकित्सकीय परामर्श के या सीधे दवा की दुकान से एंटीबायोटिक दवाओं की खरीदी और बिक्री पर रोक लगाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें।